रायबरेली एक्सप्रेस, खबरें सबसे सटीक। रायबरेली में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं 5 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आज पॉजिटिव आई है। महाराजगंज थाना क्षेत्र के मऊ के गरीबी गांव के रहने वाले हैं पांचों मरीज। नगर पालिका ने लिया बड़ा एक्शन, वार्ड नंबर 28 में जल भराव को लेकर किया गया एक्शन। जल निकास नाली पर हुए अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। मानसून में जल भराव की समस्या को लेकर नगर पालिका अध्यक्षा को वार्ड वासियों ने की थी शिकायत, नगर पालिका ने लिया संज्ञान। बीते दिनों सरहद पर चीन और भारत की झड़प के बाद जहां पूरा देश चीन का पुरजोर विरोध कर रहा है, उसी को लेकर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी ने आज शहर के डिग्री कॉलेज चौराहे पर चीन का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उसी दौरान शहर कोतवाली पुलिस ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर कार्यकर्ताओं से छीना पुतला। कोरोना वायरस लॉकडाउन के मद्देनजर सलवन क्षेत्र के BPCL पब्लिक स्कूल ने सभी छात्रों की इस साल के 3 माह की फीस माफ कर दी है। स्कूल की ओर से लॉकडाउन की अवधि में फीस लेने से जनकार करते हुए छात्रों को 3 माह तक निःशुल्क शिक्षा देने का फैसला लिया गया है। अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधक के इस सराहनीय कदम का स्वागत किया है। रायबरेली की लेटेस्ट खबरों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।